अभी हम बहुत ही डार्क केव्स के अंदर एंटर करने वाले हैं। मैंने फ्लैशलाइट लगा लिया। केव्स के बीच में जा रहे हैं। मैंने ऐसे बारिश में पहली बार ट्रैकिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम इन द रेन। ओके गाइस, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस करते हुए, आज दिन भर की ट्रैकिंग के बाद लग्जमबर्ग सिटी में आ गए हैं हम मोलेरथल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी विदेशी वाइब्स एंड माय नेम इज शगुन। आप देख रहे हैं मेरे साथ लग्जमबर्ग का मोलेरथल रीजन। तो दोस्तों, ये वीडियो है डे टू की ट्रैकिंग की। आई होप आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी हैं डे वन की और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रैकिंग का। तो आज है हमारा डे टू और हम कवर कर रहे हैं मोलेरथल का रूट टू। हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है पीछे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली ट्रैकिंग हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसा कि आप इन साइन पोस्ट्स में देख रहे हैं, जो ऊपर से सेकंड है, होल्स ह्यूअर, ये हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आज हमने जाना है। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है ये। नैरो पैसेजेस विद इन द स्टोन्स, हमारी गाड़ियाँ पार्कड हैं और रोड के इस साइड भी आप पार्क कर सकते हैं और रोड के उस साइड भी, सामने जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो भी पार्किंग लोकेशन है। बारिश हुई है, मिट्टी गीली है, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन हमारे पास बस आज का ही दिन है, सो वी विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेट्स सी हाउ इट गोज। डिफरेंट काइंड की ट्रैक है। तो आज है डे टू और हम आए हैं ट्रैकिंग के लिए। यू कैन कॉल इट रॉक्स की फॉर्मेशन है और बड़े बड़े रॉक्स के बीच में नैरो पैसेजेस हैं हिल के ऊपर। तो आज हम करने वाले, तो आज ये डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है। कल मस्त और डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमने कल वाटरफॉल और फॉरेस्ट ट्रेल्स और सारे लैंडस्केप्स करे थे। आज हम और गाइस, बारिश शुरू हो गई है। दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग, होल्स टावर 1.2 फॉल श्योर। तो चलिए, चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ इस रूट टू के बारे में। वैसे तो ये रूट टू रूट थ्री की जैसे ही बड़ा है, इट्स लाइक 37-38 किलोमीटर्स, लेकिन हमने ऑलरेडी आज वेदर प्रेडिक्शन देख लिया था, बारिश थी पूरे दिन, तो हमने रिस्क नहीं लिया लंबी ट्रैकिंग करने का। हमने सीधे डेस्टिनेशन डाली कोल्स क्योर की और हमने गाड़ी वहीं पर पार्क करी जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना था, और ये 1.5 किलोमीटर यहाँ से वॉक करके आ जाएगा। ब्यूटीफुल रास्ता है, बहुत ही सुंदर ट्रेल। अगर आप लंबी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, फुल ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो रूट टू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी विलेज हो सकता है। आइडियल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सतरनाक विलेज, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं बर्डॉर्फ, स्काइडिंगन, कॉन्सडॉर्फ या मोलेरथल से भी। अगेन डोंट वरी, ये सारे के सारे नाम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और जो इस जगह का नाम है, ये स्पेसिफिक रॉक फॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इफ़ यू आर नॉट ट्रैकिंग एंड डायरेक्टली वांट टू कम टू द स्पॉट, तो वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और इस वीडियो की स्क्रीन में द सबटाइटल्स आल्सो यू विल बी सीइंग इट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी लिख दिया है कि अगर आप अख्तरनाक विलेज से स्टार्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे पूरी ट्रेल को फॉलो करना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लग्जमबर्ग में, दैट इज़ फ्री। सो इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग बाय कार, आप बस लेके किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई जानकारी जनरल लग्जमबर्ग की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रूट टू के बारे में। आज हम जिस रूट पे हैं, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल हुआ पड़ा है पूरा रास्ता बारिश की वजह से। द ग्रीनरी हैज़ इंक्रीज्ड और ये रॉक फॉर्मेशंस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, वो नैरो पैसेजेस हैं रॉक्स के बीच में से। बाय द टाइम वी रीच दोज नैरो पैसेजेस, मैं आपको बता दूं कि आप जब ट्रैकिंग के लिए निकले हैं, तो इट्स गुड दैट यू आर वियरिंग स्टर्डी शूज़, कैरी इनफ वाटर, एनर्जी बार्स,
मे बी सम फ्रूट्स या ऐसे स्नैक्स जिन्हें खा के इंस्टेंट एनर्जी आपको मिले। रास्ते में पूरी ट्रैक के रूट में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ से आप स्नैक्स बाय कर सकते हैं, सो मेक श्योर दैट यू हैव इनफ एनर्जी ड्रिंक्स एंड हाई एनर्जी स्नैक्स विद यू। ऑल्सो गुड टू नो दैट फोन के नेटवर्क्स आर नॉट वेरी ग्रेट इन दिस एरिया। अभी हम बहुत ही डार्क केव्स के अंदर एंटर करने वाले हैं, मैंने फ्लैश लाइट लगा ली है। ये कुछ कुछ रॉक फॉर्मेशन जो हैं, इनको वुल्फ्स क्लुक्थ भी बोला जाता है या फिर वुल्फ्स कैनियन इन इंग्लिश, जहाँ पर बहुत ही पुराने टाइम में जो वुल्फ्स होती थी ये उनके शेल्टर की लोकेशंस थी। So when you enter these narrow passages or tiny caves, so आप within 5 to 8 minutes बाहर निकल जाते हो और maybe sooner. But if you're in a group, just try to stick together. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, and make sure that your mobiles are fully charged, because आपको टॉर्च की या फिर मोबाइल फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे passages 3-4 हैं पूरे रूट में, और अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं देन यू कैन चूज नॉट टू गो, बट जैसे मैंने बताया कि विद इन 5 to 8 minutes मैक्सिमम है, इतना टाइम लगता है अंदर, बट इट्स फन, मजा आता है। पूरा भी अंदर केव से ट्रैक करके बाहर निकले हैं। घना अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड भी था। अभी हम सेकंड नंबर के केव में जा रहे हैं। ओके, तो कुछ ज़रूरी बातें केव्स के बारे में। फर्स्टली जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स हैं इन केव्स का, इन नैरो पैसेजेस का, बहुत ही क्लियरली साइन पोस्ट्स पर लिखा रहता है। यू कैन फॉलो सर्किट्स लिखे रहते हैं, सर्किट 1, सर्किट 2, सो इट्स अ कम्प्लीट राउंड। एक आपने सर्किट किया, कुछ केव्स के अंदर से गए बाहर आए, फिर दूसरा सर्किट शुरू हुआ, कुछ केव्स के अंदर से गए, नैरो पैसेजेस कवर करें और फिर बाहर आए। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा कि अरे इस रास्ते पर आ गए हमें जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू कैन चूज़ टू गो, या फिर अगर आपको नहीं जाना केव्स के अंदर, आपको अगर अंधेरे से डर लगता है या फिर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, तो आप उस चट्टान का पूरा चक्कर लगा के बाहर बाहर से भी यू कैन कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और यू कैन जस्ट पास इट फ्रॉम आउटसाइड एंड देन गो अहेड। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऊपर पूरा केव्स में ट्रैक कर लिया है, सारे सर्किट्स 1 and 2 भी कवर कर लिए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हाइक थी, मज़ा आ गया, थकावट भी हो गई है थोड़ी। वापसी में भी जिस रास्ते हम आए हैं उसी रास्ते जाना है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आज की ट्रैकिंग हम कर रहे हैं बस एक पर्टिकुलर लोकेशन का हमने ट्रैक करा, केव्स वाली जो लोकेशन है। तो गाड़ी पार्किंग से हम डायरेक्ट वॉक करके गए 1.5-2 किलोमीटर उस जगह पे, फिर अंदर भी 1-1.5 किलोमीटर हमने करा, एंड देन वापस हमें कार पार्किंग पर ही जाना है, हमें आगे कोई और डेस्टिनेशन कवर नहीं करनी है। सो इट्स लाइक अ यू, आप गए उस जगह तक एंड देन वापस आने के लिए भी हमें उन्हीं केव्स में से निकल के आना है। केव्स वाला एरिया कर लिया है, एकदम अंधेरा हो गया था, थोड़ा सा कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हल्का सा डर लग गया था कि कहीं हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, फंस तो नहीं जाएंगे। अब बहुत ही डार्क था तो आपको डेफिनेटली टॉर्च चाहिए या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट चाहिए। वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट अंधेरा था, है ना, गुफा वाली नैरो सी चट्टानों के बीच में से निकल के। लेकिन अच्छा हुआ वैसे आज बारिश के बाद आए, नहीं अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा कलर्स और ब्राइट, रास्ता और ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़ा सा मडी हो गया, स्लिपरी है, बट मैनेजेबल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सिर्फ फोटो का स्पॉट है, मैंने यहाँ पे हाइक नहीं करी है, बट बढ़िया स्पॉट है फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने के लिए, इट्स नाइस। मजा आ रहा ट्रैकिंग में? सबसे अच्छा क्या था? केव्स अभी जो आपने आज करे ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अंधेरा हो गया था ना। आरना और आरना ने भी बहुत अच्छी ट्रैकिंग कर ली है ना। आरना, आपको सबसे अच्छी ट्रैकिंग कौन सी लगी, कल वाली की आज वाली? मुझे कल के वाटरफॉल्स अच्छे, कल के वाटरफॉल्स अच्छे लगे। आप तो ऊपर भी चढ़ गए थे ना वाटरफॉल में, फोटो भी लिया, और आज अच्छा लगा ये केव्स में। तो अभी हम ऊपर से केव से ट्रैकिंग करके वापस जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। तो ये वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेल्स थी जो हमने आज करी है। आज थोड़ी बारिश हो गई है लेकिन अभी अभी अच्छा लग रहा है, स्लिपरी है बट उतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, आई थिंक मैनेजेबल है। सबको बड़ा मज़ा आया, बच्चों को बहुत मज़ा आया, बड़ों को मज़ा आया, खूब सारी फोटोग्राफ्स खींच ली,
और इतनी थकावट आज लगी नहीं, बिकॉज आई थिंक मौसम भी काफी अच्छा था, तो मजा आ रहा है। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी। ये वापस कुछ और ट्रेल्स हैं, हम जा रहे हैं बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। से छोटा सा एलिफेंट नहीं लग रहा कि इस एलिफेंट के बेबी एलिफेंट ने अपने सर के ऊपर ये चट्टान उठा रखी है, नहीं ऐसा लग रहा है ना। बारिश बहुत तेज हो चुकी है और ये विंड चीटर मैं ऑलरेडी लेके आई थी बिकॉज हमने वेदर प्रेडिक्शन देख लिया था। तो दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू आर इन लग्जमबर्ग, और अगर आप स्पेशली नेचर लवर हैं और लग्जमबर्ग सिटी से हटके कुछ और कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज कम टू दीज मुलेरथाल ट्रेल्स। I absolutely loved yesterday's trekking also, जहाँ पे हमने waterfall और बाकी चीज़ें cover करी, और ये वाली तो मेरी बहुत ही ज़्यादा favorite जगह थी। I loved trekking here. अब थोड़ा सा लग रहा है कि slippery हो रहा है, क्योंकि हम बारिश में अब हमने trek करना शुरू करा है। जो चीज़ देख के मैं हैरान हो गई इज दिस कि जो बाकी लोग जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स यहाँ पर आए हुए थे, वेदर के अकॉर्डिंगली दे वर कैरिंग देयर अम्ब्रेलास, रेन कोट्स, अपने हाइकिंग बैग्स को कवर करने के लिए पॉलिथिन्स, दे वर लाइक फुली इक्विप्ड। अभी आगे थोड़ा डिसीजन मेकिंग चल रही है कि हमें वेट करना है कि चलते रहना। यूनानिमस वोट ये है कि हमें चलते रहना। और हम मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं, फिर भी मेजॉरिटी हो गई हमारे बिना। एटलीस्ट वो जो पीछे था वो आखिरी केप था जिसमें से हमने निकलना था। अब आई थिंक अब सीधा सीधा रास्ता है कार पार्किंग को, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पहुंच जाएंगे। आई थिंक और 600-700 मीटर रह गए हैं वापसी के लिए। नाइस, लुक एट दिस। बारिश बहुत तेज है, एक्चुअली पेड़ बहुत सारे हैं, तो अगर बारिश बीच में अगर हल्की भी होती है ना, लेकिन पेड़ों की वजह से काफ़ी तेज पानी बरस रहा है। वो देखो सबके लेकिन हौसले बुलंद हैं, हिम्मत परवान चढ़ी हुई है कि हम ट्रैक करके रहेंगे। इतनी बारिश में भी कोई नहीं रुका, सब ने अपने अपने रेनकोट्स डाले, विंड चीटर डाले और चल दिए हैं वापसी की ओर। ये अच्छी बात है कि बारिश से पहले हमने अपना मेजॉरिटी ऑफ हमने जाने वाला पूरा कवर कर लिया था, तो बारिश नहीं थी, अच्छे से हो गया। अगर यही बारिश हमारी जाते टाइम पर होती तो शायद फिर हम सोचते कि हम करें कि नहीं करें, लेकिन अब सिंस वापसी का टाइम है, हम वापस जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना हुआ है कि चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ थोड़ा सा ध्यान देना है ना। इस एपिसोड का मैं नाम रखूंगी सोइल्ड शूज वेट क्लॉथ्स बट हैप्पी हार्ट्स। आज दिन भर की ट्रैकिंग के बाद लग्जमबर्ग सिटी में आ गए हैं मुलेरथाल से आज की ट्रैकिंग करके। बारिश बहुत तेज हो गई है और बहुत भूख लग रही है, बढ़िया सा कुछ स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा है। तो लग्जमबर्ग सिटी सेंटर में संडे सेंटर की दुकानें बंद हैं, लेकिन सारे रेस्टोरेंट्स खुले हैं। हमने ढूंढ लिया है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कृष्णा विलास में हम लोग जाने वाले हैं। मस्त इडली वड़ा सांभर डोसा फिल्टर कॉफ़ी, और ये हम पहुंच गए हैं कृष्णा विलास। अब मस्त इडली वड़ा सांभर डोसा चाय कॉफ़ी सब खाएंगे। रसमलाई नहीं, क्या था वो? तो हमने अभी कृष्णा विलास में खाना खा लिया है और हम लग्जमबर्ग सिटी में हैं, तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है कि कुछ बोलने और ब्लॉगिंग करने की भी एनर्जी नहीं बची। और अभी हम बस बड़ी ही मुश्किलों के साथ वॉक करके वापस कार की तरफ जा रहे हैं। आज जल्दी वाइंड अप कर देंगे बिकॉज मौसम थोड़ा सा ठंडा है और बारिश में हम लोगों ने ट्रैक किया था, सबके कपड़े भी भीग चुके हैं। तो अब जाएंगे हम वापस अपनी कैंपिंग साइट। तो दोस्तों, उस लोकेशन से ट्रैकिंग करने के बाद हमने सीधा एड्रेस डाला लग्जमबर्ग सिटी सेंटर का,
और यहाँ पर हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई। बहुत छोटी कंट्री है लग्जमबर्ग, तो ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है। विद इन 15-20 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग वी वर इन द लग्जमबर्ग सिटी सेंटर। लंच किया एंड देन सिटी थोड़ा सा सेंट्रम ऐसे ही पैदल पैदल एक्सप्लोर किया। संडे है, मार्केट्स बंद हैं, कुछ ज़्यादा खुला नहीं है, बट जस्ट लुकिंग अराउंड सिटी की वाइब कैसी है। एंड दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे।